विजय महाराज जी के इस कॉन्सेप्ट में एडिटिंग करने के लिए आपने देखा होगा बहुत ही ज्यादा समय भी वेस्ट होता है और बहुत ज्यादा दिमाग भी लगता है, मतलब मेहनत लग जाती है बहुत ज्यादा। पर आप लोग इस वीडियो को देखोगे ना तो आप लोग का ज्यादा समय भी वेस्ट नहीं होगा और आप लोग का मतलब ज्यादा मेहनत भी नहीं लगेगी। आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा, मतलब इस टाइप की एडिटिंग आप लोग कर सकते हो, बहुत ही जल्दी कर पाओगे। आप लोग इस वीडियो को देखोगे ना तो बहुत ही जल्दी आप लोग एडिटिंग कर पाओगे, वीडियो को पूरा देखिएगा। और फ्रेंड्स अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर दीजिएगा, साइड को बैल को दबाना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। आप लोग के लिए फोटो एडिटिंग वीडियोस में लाता रहता हूँ और प्लीज लाइक कर दीजिएगा इस वीडियो को। तो चलते हैं हम लोग वीडियो की तरफ, ज्यादा आप लोग का समय वेस्ट नहीं करते हैं। तो फ्रेंड्स फोटो एडिट करने के लिए आप लोग को जो भी पोज अच्छा लगता है ना वैसे आप लोग अपनी फोटो क्लिक कर दीजिएगा। आप लोग विजय महाराज जी की जैसी फोटो क्लिक कर सकते हो और उसके बाद में आप लोग क्या करना है, एक बैकग्राउंड की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी वाला, ठीक है। तो आप लोग इसमें ऐड कर सकते हो और इसकी पीएनजी की मतलब लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी आप लोगों को, ठीक है। जो भी मैं यहाँ पे यूज करूंगा पीएनजी बैकग्राउंड तो आप लोग को डिस्क्रिप्शन मिल जाएंगे। तो इस पीएनजी को आप लोग डाउनलोड कर लेना है फ्रेंड्स और उसके बाद में आप लोग एक काम और कर लीजिएगा, अपने जो भी मॉडल होगा ना उसका मतलब बैकग्राउंड पहले से रेज करके रख लीजिएगा। आप लोग को मालूम है कैसे करते हैं, अगर नहीं बनता तो आपको ऊपर में आई बटन में वीडियो दे दूंगा, वैसे नॉर्मल सी बात है आप लोग को बन ही जाता होगा, ठीक है। तो उसके बाद में आप लोग क्या करना है, आप लोग को इस पीएनजी को क्या करना है, यहाँ से शेयर कर लेना है अपने पिक्सार्ट ऐप में। तो यहाँ पे मैं पिक्सार्ट ऐप में चले आता हूँ फ्रेंड्स, उसके बाद में आप लोग को बताता हूँ कि क्या करना है आप लोगों को। तो फ्रेंड्स पिक्सार्ट ऐप में आने के बाद में आप लोग को यहाँ पे जाना है अपनी ऐड फोटो में, और ऐड फोटो में जाने के बाद में आप लोग की अपनी पीएनजी जो है ना उसको आप लोग को यहाँ पे ऐड कर लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं जल्दी से ऐड कर लेता हूँ फ्रेंड्स, उसके बाद में आप लोग को बताता हूँ कि क्या करना है आप लोगों को, कैसे ऐड करना है यहाँ पे। तो आप लोग अगर मतलब ऐसे ऐड करते हो और फिर बाद में क्या है ना कि आप लोगों ने कई वीडियोस में देखे होगा उसमें ऐसे ऐड करते हैं और फिर बाद में यहाँ पे रिजर्व में जाते हैं और उसके बाद में यहाँ पे क्लियर ऑल करके फिर बाद में यहाँ पे ड्रॉ करते हैं, फिर मतलब उसमें बहुत ज़्यादा टाइम चल जाता है। आप लोगों ने देखा होगा ऐसे करके ड्रॉ करते हैं वो उनकी वीडियो में, तो बहुत ही ज़्यादा मतलब टाइम वेस्ट हो जाता है उसमें, आप लोगों ने देखा होगा। तो ऐसा आप लोग को नहीं करना है यहाँ पे, आप लोग को वन क्लिक में हो जाएगा यहाँ पे, आप लोग को बताता हूँ। आप लोगों ने देखा भी होगा वैसे तो यहाँ पे क्या है ना, अपनी पीएनजी में क्लिक करके आप लोग को यहाँ पे ऐसे ब्लेंडिंग मोड में जाके यहाँ पे मल्टीप्लाई करने कर लेना है। आप लोग देख सकते हो यहाँ पे आप लोग का जो यहाँ पे मॉडल है वो एडजस्ट हो चुका है। आप लोग को जैसे भी मतलब यहाँ पे एडजस्ट करना है आप लोग कर सकते हो, ठीक है। तो जिसमें क्या है ना कि आप लोग टाइम भी वेस्ट नहीं होएगा और आप लोग जहाँ पे भी ऐड करना चाहते हो अपने मॉडल को आप लोग ऐड कर सकते हो, और बहुत ही बढ़िया आप लोग देख सकते हो बहुत ही बढ़िया से यहाँ पे ऐड हो चुका है। और उसके बाद में आप लोग क्या करना है, आप लोग को जो भी पीएनजी है ना उसको यहाँ पे डबल कर लेना है और उसके बाद में यहाँ पे साइड में लगा लेना है, ठीक है। जिसमें यहाँ पे जो सेकंड मिरर है यहाँ पे तो भी यहाँ पे ऐड हो जाएंगे, यहाँ पे ऐड हो जाएंगे मतलब यहाँ पे दिखने लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पे भी आप लोग ऐड कर सकते हो। उसके बाद में आप लोग क्या करना है, यहाँ पे सिंपली डन करने निकलना है आप लोगों को, ठीक है। तो यहाँ पे सभी पीएनजी हम लोगों ने मतलब यहाँ पे बना चुके हैं, जो हमारे जो मॉडल है वो ऐड हो चुका है यहाँ पे। तो कुछ इस टाइप से आप लोग यहाँ पे कर सकते हो। बाद में आप लोग को यहाँ पे जाना है अपने ड्रॉ टूल में, ड्रॉ टूल में जाने के बाद यहाँ पे आप लोग को अपनी जो पीएनजी है उसको यहाँ पे सेव कर लेना है, सिंपली यहाँ पे सेव कर लेना है और उसके बाद में अपने गैलरी में चले जाना है यहाँ से, ठीक है। और उसके बाद में आप लोग को उस बैकग्राउंड को मतलब डाउनलोड कर लेना है और ओपन कर लेना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे गैलरी में आने के बाद में आप लोग को इस बैकग्राउंड को डाउनलोड कर लेना है और उसके बाद में यहाँ से कर लेना है इसे शेयर अपने पिक्सार्ट ऐप में। तो यहाँ पे पिक्सार्ट ऐप में हम लोग चले जाते हैं और उसके बाद में आप लोग को बताता हूँ कि क्या करना है आप लोगों को। तो यहाँ पे आप लोग को क्या करना है, सबसे अपने ऐड फोटो में चले आना है, ठीक है। और ऐड फोटो में जाने के बाद में आपने जो पीएनजी बनाया हो ना अभी उसे आप लोग को यहाँ पे ऐड कर लेना है सिंपली। तो यहाँ पे हम लोग ऐड कर लेते हैं और उसके बाद में आप लोग क्या करना है यहाँ पे फुल कर लेना है। और आप लोग देख सकते हो हमारी जो पीएनजी है वो ऐड हो चुकी है, तो ज़्यादा आप लोग को यहाँ पे टाइम वेस्ट नहीं हुआ है और आप लोगों ने मतलब यहाँ पे एडिटिंग कर चुके हो, ठीक है। तो उसके बाद में आप लोग क्या है इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर सकते हो, जैसे कि यहाँ पे रेजर में जाके तो यहाँ पे जैसे ब्लैक लाइन आ गई है, ठीक है। तो जैसे आप लोग देख सकते हो अपनी जो यहाँ पे, ठीक है, आप लोग देख सकते हो थोड़ा थोड़ा आ गई है। अगर आप लोग को इसको इरेज करना है तो आप लोग इरेज कर सकते हो, वैसे नहीं करना है तो नहीं कर सकते हो, ठीक है। देख सकते हो आप लोग हमारी जो एडिटिंग हो चुकी है, तो यहाँ पे आप लोग डन कर लेना है। और आप लोग को जो भी पीएनजी ऐड करना है वैसे आप लोग ऐड कर सकते हो, जो भी आप लोगों को कुछ पीएनजी यहाँ पे मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। तो आप लोग उन्हें ऐड कर सकते हो, जैसे कि विजय महाराज जी की फोटो में था, ठीक है, ये वाली पीएनजी थी और ये पीएनजी थी कुछ, ठीक है। तो उन्हें आप लोग ऐड कर सकते हो जैसे कि यहाँ पे, ठीक है। इसे आप लोग ब्लेंडिंग मोड में जाके यहाँ पे स्क्रीन कर सकते हो और इसको यहाँ पे ऐड कर सकते हो, ठीक है, कुछ इस टाइप से। और उसके बाद में इस पीएनजी को आप लोग को ऐसे साइड में लगाते जाना है, ठीक है। तो ये जो छोटी छोटी पीएनजी है ना इनको आप लोग ऐसे साइड में लगा सकते हो, ठीक है। तो कुछ इस टाइप से आप लोग यहाँ पे एडिट कर सकते हो और यहाँ पे डन कर लीजिएगा। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं हमारी फिक्की है और आप लोग रिटच कर सकते हो अपनी लाइटरूम ऐप में जाके। तो यहाँ पे हम लोगों ने एडिट कर लिया फ्रेंड्स, यहाँ पे ड्रॉ टूल में चले जाते हैं और आप तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम लोग अपनी फोटो को सेव कर लेते हैं फ्रेंड्स। तो यहाँ पे हम लोग थ्री डॉट में क्लिक करते हैं और उसके बाद यहाँ पे सेव इमेज में क्लिक करके, और आप लोग देख सकते हैं हमारी फोटो यहाँ पे एडिट हो चुकी है। तो फ्रेंड्स यहीं तक था हमारा वीडियो, आई होप आप लोग को वीडियो पसंद आया। आप लोग को सही तरीका बताया हूँ कि कैसे आप लोग को एडिट करना है, मतलब कम समय में आप लोग एडिट कर सकते हो, ज़्यादा आप लोग को टाइम मतलब समय नहीं लगेगा यहाँ पे, आप लोग को टाइम नहीं लगेगा यहाँ पे। आप लोग देख सकते हैं मतलब उसमें क्या है ना कि आप लोग को जो दूसरे वीडियो आप लोगों ने देखे होंगे उसमें मतलब थोड़ा थोड़ा आप लोग को ज़्यादा मेहनत लग जाती है ऐसे ड्रॉ करने में, और फिर बाद में कई बार क्या है फिक्स नहीं होता है। तो इसके कारण ना मैंने आप लोग के लिए अलग वीडियो बनाया था, ठीक है। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।